प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, मैंने आपको ल स और म स निकालने की चार चार विधियां बताई है। तो प्यारे बच्चों, आप ल स म स निकालना सीख गए होंगे। तो अब हम लोग ल स और म स पर आधारित तो उन प्रश्नों को करेंगे जो डेफिनेटली निश्चित रूप से आपके वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा पूछे जाते हैं, सी टेट और टेट में पूछे जाते हैं, एसएससी आरआरबी यूपीपी और यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग ल स म स पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं प्रश्न एक लिया हूँ और इस प्रश्न से आप कई प्रश्न सीख जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16, 18 और 45 से पूर्णतया विभाज्य होगी, एकदम कट जाएगी। दूसरा प्रश्न है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 16, 18 और 45 से भाग देने पर शेषफल सदैव 5 आता हो। बच्चों, इस तरह से आता है कि दी गई संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 5 आता हो, 3 आता हो, ऐसे कुछ। इसी तरह से तीसरा प्रश्न मैंने लिया है, वहाँ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 16, 18 और 45 से विभाज्य होगी। ये वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर का प्रश्न है बच्चों। इसके बाद वहाँ छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी जो 12, 18 और 25 से पूर्णतया विभाज्य होगी, ये घन और घनमूल का प्रश्न है बच्चों। तो देखिए, ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं, मिसलेनियस आते हैं, हम लोग एक एक करके फटाफट एक मिनट से कम समय में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए, जो ल स होती है आपको बताई गई है, ल स जो होती है वो सबसे छोटी समान अपवर्त होती है, यानी पहाड़ा होती है, अर्थात कह सकते हैं छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दी गई तीन चार संख्याओं से कट जाती है। चूंकि अपवर्त है तो छोटी संख्याओं से कट जाती है, वही ल स होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जब प्रश्न है, पहला, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो 16, 18 और 45 से विभाज्य हो जाएगी तो वो क्या होगी बच्चों? ल स होगी। जब छोटी से छोटी संख्या निकालने की बात आती है तो समझिए कि ल स का प्रश्न है, चूँकि विभाज्य भी है और छोटी से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर वह छोटी से छोटी विभाज्य संख्या क्या निकालना है प्यारे बच्चों? विभाज्य संख्या किससे विभाज्य संख्या? 16, 18 और 45 से विभाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। किनकी? जिनसे वो विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 16, 18 और 45 से विभाज्य है, तो उनका एलसीएम अर्थात जो ल स होगा वही होगा। तो ल स निकालने के लिए तो आपके पास फटाफट टेबल विधि है। अब 45 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा पढ़िए, जो 16 से कट जाता हो और 18 से कट जाता हो, 45 से कट जाता हो, वही ल स है। नहीं तो आपके पास चार चार विधियां हैं, मैं भाग विधि से फटाफट कर देता हूं। तो प्यारे, यहां 16 लिख दिया, 18 लिख दिया और 45 लिख दिया, और भाग विधि से गुणनखंड करने की कोशिश की, इसके अभाज्य संख्या से काटा, इसका आधा कर देते हैं, दो से काटेंगे तो 18 का आधा, 16 का आधा क्या होगा बेटा? 8। 18 का आधा क्या होगा? 9। 45 का आधा हो नहीं सकता है, सीधे सीधे नहीं कर सकता, छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, 2 से ये कट जाएगी तो यहाँ 4 आ जाएगी, यहाँ 9 ही रहेगा, यहाँ 45 ही रहेगा। फिर 2 से काटें बेटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4। यहाँ पे ये नहीं कटेगा, छोड़ेंगे, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। फिर 2 से काटिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ 9, यहाँ 45। अब आप बच्चों देखिए, 3 से कटेगी संख्या तो 3 से काटिए, 1 × 3 = 9 और 15 × 3 = 45। फिर 3 से काट दीजिए प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। लास्ट में देख रहे हैं बच्चों कि ये 5 से संख्या कटेगी। अब इस तरह से जब भाग विधि से हम प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं तो ल स क्या होता है? ये जो साइड में आया हुआ है इनका गुणनफल होता है। ल स क्या होता है? जो साइड में आया है इनका गुणनफल होता है। तो आइए हम इनका ल स पता कर लेते हैं। ल स क्या होगा? 2 का कितनी बार गुणा? 1, 2, 3, 4 बार गुणा है। 2 का पावर 4 कर सकते हैं या 2 का 4 बार,
गुणा कर दीजिए। दो का हमने चार बार गुणा किया और तीन का दो बार गुणा कर दिया प्यारे बच्चों, और पाँच, तो इस तरह से हमको क्या मिला प्यारे बच्चों, देखिए दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह, सोलह पाँचे अस्सी, अस्सी और गुणे नौ करेंगे तो कितना आ जाएगा, आठ नवा बहत्तर यानी 720 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये संख्या हमको मिल गई है जो सभी से क्या होगी बच्चों, विभाज्य हो जाएगी, किससे, 16 से 18 से और 45 से ये विभाज्य हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 45 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 5 आता है या 3 आता है या 2 आता है, ऐसे कुछ प्रश्न कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो जो दूसरे का हल हल नंबर 2 होगा उसमें आपको क्या करना है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें शेषफल क्या आता है, 5 आता है, वो हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम में क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे बच्चों, एलसीएम में 5 जोड़ देंगे जो शेषफल आता है। तो इस तरह से हमारा 720 में जुड़ेगा 5, ये हो जाएगा 725। तो इस तरह से जब प्रश्न आता है बच्चों कि वहाँ छोटे छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3-4 संख्या दे गया और कहा गया कि इसे भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 5 आता है, 4 आता है, 2 आता है, तो एलसीएम निकाल करके उसमें वो संख्या जोड़ देते हैं। इस तरह से दो प्रश्नों का हल आपके सामने है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप नोट बना सकते हैं, वीडियो को बार बार देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम तीसरे पार्ट पर, किस पर आते हैं, तीसरे पार्ट पर। एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आप समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। आते हैं तीसरे पार्ट पर, तीसरा पार्ट इसका जो है क्वेश्चन का, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से सदैव विभाज्य हो। तो ये आया हुआ है NMMS 2020 यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखिए छोटी से छोटी विभाज्य संख्या पहले निकालेंगे, वो संख्या आपकी 720 हो जाती है। अब क्या करते हैं इसमें, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने की बात है, क्या बनाने की बात है, पूर्ण वर्ग बनाने की बात है, तो पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, जोड़े में होते हैं। तो यहाँ देखो जोड़ा लग गया है बेटा, ये भी देखो जोड़ा लगा है, यहाँ 3 का जोड़ा लगा है, 5 का जोड़ा नहीं लगा है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें 1 और 5 से गुणा करना होगा ताकि जोड़ा लग जाए और पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। लिखेंगे अतः, अतः विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या, विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, इसमें 5 से और गुणा कर देंगे यानी 720 पहले आया ही था, 1-5 की यहाँ ज़रूरत है, इस 5 का यहाँ गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया 5 × 5 × 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 × 35 = 36। ये रही बेटा पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 16, 18 और 45 से कट जाएगी। अब आते हैं बच्चों हम तीसरे पार्ट पर, स्क्रीनशॉट ले लें और हम तीसरा पार्ट को फटाफट हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये चौथा पार्ट हम लोग पहुँचे हैं बेटा, चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट कहता है कि, चौथा पार्ट कहता है कि वहाँ छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, पूर्ण घन संख्या निकालिए जो 12, 18 और 25 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो काम वैसे ही करेंगे, वहाँ छोटी से छोटी पहले विभाज्य संख्या निकालेंगे प्यारे बच्चों। क्या निकालेंगे, छोटी से छोटी विभाज्य संख्या निकालेंगे। पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम जोड़ा लगा रहे थे और पूर्ण घन लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, 3-3 का जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है 12, 18 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों 12, 18 और 25 का एलसीएम निकाल लिया जाए
आप डायरेक्ट 25 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जो 18 से कट जाए वो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है भाग विधि से। तो यहाँ हम भाग विधि से करते हैं, तो 12, 18 और 25 को हम पहले 2 से काटते हैं, 2 अभाज्य संख्या है इसीलिए अभाज्य संख्या से काटते हैं, अभाज्य संख्या से 2 से काटेंगे तो इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 9 हो जाएगा, और इसका तो 2 से नहीं कटेगा, आधा डायरेक्ट नहीं हो सकता, फिर 2 से कटने वाली संख्या मिल रही है तो 2 से हम काटते जाएंगे। तो 2 से यहाँ काट दीजिए प्यारे बच्चों, 3 आया, यहाँ नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। अब संख्याएँ जो आगे हैं वो 3 से कटने वाली हैं, इसे 3 से काटा तो 3 त्रिका 9 ये हो गया और ये नहीं कटेगी, पुनः 3 से काट दीजिए प्यारे बच्चों, तो एक हो गया, एक हो गया, 25 हो गया। प्यारे बच्चों अब ये 5 से कटने वाली संख्या है तो 5 से काट दिया गया, लास्ट में देखा कि 2 बार में 5 से काटने पर लास्ट में 1 आ जाता है, तो लॉसा हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 का 2 बार गुणा किया गया है, 3 का 2 बार गुणा किया गया है और 5 का 2 बार गुणा किया गया है, तो हमारा अभी छोटी छोटी विभाज्य संख्या मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? छोटी से छोटी विभाज्य संख्या मिलने वाली है, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। तो 2 × 4 हो गया और 3 × 9 हो गया और 5 × 25 हो गया, 25 × 4 = 100, 25 × 4 में गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 × 9 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। लेकिन ये छोटी से छोटी बेटा विभाज्य संख्या है, अब हमको निकालना है पूर्ण घन संख्या। अब लिखेंगे वह पूर्ण घन संख्या, वह पूर्ण घन संख्या, वह पूर्ण घन संख्या बराबर 900 गुणे, बेटा यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ा तो है ही है, जोड़ा नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको 3 की जोड़ी लगानी है, तो यहाँ पर 1 2 और चाहिए, क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, 1 बार 3 चाहिए और 1 बार 5 चाहिए, क्या इस तरह से पूर्ण घन संख्या हमको मिल जाएगी, चूँकि 3 का जोड़ा लगना जरूरी है। तो 5 × 10 10 × 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 10 × 30 हो जाएगा, और 30 का जब गुणा करेंगे इसमें तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, और 30 में 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, तो 27,000 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा उत्तर हो जाएगा 27,000। ये सारे प्रश्न आपके कक्षा 8 की जो पुस्तकें हैं SCERT की, उसमें सारा दिया हुआ है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये लॉसा पर रहे 4 प्रश्न, अभी हम लॉसा पर और आगे 4 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो बच्चों आइए हम लोग दूसरे प्रश्न देखते हैं कि कैसे लॉसा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए ये दूसरा जो प्रश्न है इसमें हमने फिर 4 पार्ट लिया है और एकदम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे पहला प्रश्न है 6 घंटियाँ जो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट पर बजती हैं। ये 6 घंटियाँ हैं, इनका समय दिया है कि ये 12 मिनट पर बजती हैं, तो एक साथ प्रारंभ होकर 10 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे, क्योंकि अलग अलग समय बजने का है, शुरुआत एक साथ होता है, बीच में कई बार हो सकता है कि एक साथ वो बजे, तो बोला गया है कि यदि 10 घंटे का समय है तो कितनी बार एक साथ बजेंगी। उसी में दूसरा पार्ट रखा गया है कि यदि ये घंटियाँ 8 बजे प्रारंभ होती हैं एक साथ, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब हैं, इनको एक एक करके हम हल करते हैं। पहला देखिए बच्चों, 6 घंटियां हैं जो इतने इतने समय पर बजती हैं और एक साथ प्रारंभ होती हैं, तो पुनः एक साथ बजने का मतलब है बच्चों कि उनका लस वाला समय होगा, लस पर सारे पहाड़े एक साथ मिल जाते हैं, ये आपको परिभाषा में बताया गया है। तो लिखेंगे एक साथ बजने की जो समय अवधि होगी, जो पीरियड टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, वो क्या होगा, LCM होगा, किसका होगा, जो उनके समय अलग अलग हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है और 12 है। तो बच्चों यहाँ पर ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका लहसा निकालने के लिए भाग विधि की ज़रूरत भी नहीं है, आपको करना क्या है, इन संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी पहाड़े चाहिए, मल्टीपल चाहिए। तो आपको मालूम है बच्चों कि 12 के 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36, 12 4 = 48, 12 5 = 60,
बारह छः 72 बरसते 84 12 बटे 96 बारह नामा 108 बार धाम 120। तो 120 ऐसी संख्या हो रही है जो 6 से कट रही है, 4 से कट रही है, 2 से कट रही है और 8 से भी कट जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या हो जाएगा एलसीएम 120। 120 क्या होगा बच्चों, जो आपको समय दिया है क्या है, मिनट है, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 घंटे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे लिख सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि ये एक साथ प्रारंभ होकर के 10 घंटे में कितनी बार, 10 घंटे में कितनी बार, 10 घंटे में कितनी बार बजेंगे। तो जो भी पूरा समय दिया रहेगा बच्चों वहाँ पर आप 10 को एलसीएम से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, एलसीएम से भाग दे देंगे, चूँकि 2 घंटे में एक साथ बजेंगी। इसमें आप 1 जोड़िएगा, क्यों 1 जोड़ रहे हैं, चूँकि शुरू में भी एक साथ बजती हैं, इसलिए हमारा 10/2 एलसीएम है। धन 1 करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। तो घंटियाँ कितनी बार, एक 10 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी बच्चों, 6 बार। एक एक्स्ट्रा बढ़ता है चूँकि शुरू में भी एक साथ बजती हैं। इस तरह से पहला पार्ट हो गया। दूसरा कहता है यदि ये घंटियाँ 8 बजे प्रारंभ हो जाती हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। बच्चों देख रहे हैं कि समय अवधि कितना है उनका एक साथ बजने का, 2 घंटे। यदि 8 बजे प्रारंभ होती है तो 2 घंटे बाद फिर से एक साथ बज जाएंगी। 8 बजे के बाद 2 घंटा देखेंगे तो 10 बजे होता है। तो दूसरा पार्ट हुआ 8 AM के बाद प्रातः, AM मतलब प्रातः के बाद पुनः कितना बजे, 8 + 2 घंटे जोड़ रहे हैं तो कितना जाएगा बच्चों, 10 बजे। 10 बजे यानी प्रातः, पूरे प्रातः 10 बजे ही एक साथ बज जाएंगी। तो कितना आसान होता है लॉसा का प्रश्न, आप इसको बस वीडियो को अच्छे से देखें, रिवाइज करते रहें। ये 2 प्रश्न हो गए बच्चों हल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब ये जो तीसरा पार्ट है ये आपका NMMS राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित परीक्षा में ये प्रश्न बच्चों पूछा गया है। ये आया हुआ है 2018 में, देख लीजिएगा पेपर में। ये 4 घंटियाँ शुरू में एक साथ बजती हैं, फिर क्रमशः 6, 7, 8 व 9 सेकंड पर बजती हैं। जो उनका समय है बजने का वो 6, 7 और 8 सेकंड अलग अलग है। 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक वैसे ही है जैसे कि पहला प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर एक साथ बजने की समय अवधि जो आएगी क्या हो जाएगी, वो एलसीएम हो जाएगी। किसका एलसीएम हो जाएगा, जो उनके समय अलग अलग हैं, 6 है 7 है 8 है और 9 है। प्यारे बच्चों इन सभी से कटने वाली संख्या एलसीएम जो होगी, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका पहाड़ा मालूम है आपको, इनके मल्टीपल्स आप जानते हैं। तो 6, 8 और 9 को एक साथ कर देंगे तो 6, 8 और 9 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। 7 तो आभास संख्या है इसलिए इससे आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो 72 में आप 7 से गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो लौसा निकल जाएगा। 7 × 14 = 4 हासिल आया 1, 7 × 49 = 50। इतने सेकंड में प्यारे बच्चों एक साथ बजेंगे। अभी ये पता हो पाया है कि एक साथ बजने के लिए कितना समय चाहिए। यदि एक साथ शुरू होते हैं तो 504 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि 2 घंटे में कितनी बार वो रिपीट करेंगे एक साथ बजना। जैसे कि ये पहला पार्ट था 10 घंटे में, यहाँ लिखेंगे अतः 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 घंटे की जो समय अवधि है उसको सेकंड में बदलेंगे। तो 2 घंटों को पहले 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में होगा, फिर 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा। इसमें एलसीएम से आप भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आया है, 72 × 7 ही है, और एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। बच्चों एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न में बताया गया कि शुरू में भी घंटियाँ एक साथ बजती हैं। अब इसे आप काटेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे अगर काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 आ गया, छछवक 36 हो गया, तो 36 से 36 काटेंगे तो 100/7+1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 100 में 7 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 14 × 7 = 98 आ जाएगा। 14 यहाँ पर चूँकि काउंटिंग नंबर है ये, इसलिए हम लोग फ्रैक्शन नहीं लेंगे, 14.0 आएगा, इसलिए 14 में एक हम जोड़ देंगे, 14 में एक जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितनी बार आ जाएगा उत्तर, आ जाएगा 15 बार। तो आपके ऑप्शन में रहेगा वहाँ पर 15 बार, वही उत्तर होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, केवल भाग दे देते हैं, एक जोड़ते नहीं हैं, वह गलत हो जाता है, इसलिए सदैव एक यहाँ पर जोड़ना होता है। इस तरह से पता चल गया कि वो घंटियाँ जो हैं 15 बार 2 घंटों में एक साथ बज जाएंगी। तो प्यारे बच्चों इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जो कि हमारे जीवन से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तीन बहनें तीन अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं और उनके स्कूल पास पास में है, और प्रातः 8 बजे सुबह ही उनका स्कूल प्रारंभ होता है, और उनके जो कालांश चलते हैं वो 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट के चलते हैं। पुनः उनका लंच जो होता है एक साथ होता है, छुट्टी भी एक साथ होता है। तो उनका लंच का समय क्या है और छुट्टी कब होती है एक साथ, ये हमें समय बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करना है कि जैसे घंटियों वाला प्रश्न था, ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न है। क्या है कि चूँकि उनके कालांश एक साथ 8 बजे प्रारंभ होते हैं, तो अलग अलग उनका जो समय है, उनका जो समय अवधि होगा लॉस होगा, तो एक साथ लंच हो जाएगा, और फिर से लॉस के बराबर समय होगा तो एक साथ छुट्टी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहली बार क्या, एक साथ कालांश मिलने का समय, कालांश मिलने या घंटी लगने का समय, एक साथ कालांश मिलने का या घंटी लगने का जो समय होगा प्यारे बच्चों, LCM किसका हो जाएगा, जो उनके समय है कालांशों के, तो यहाँ 30 मिनट है, 45 मिनट है और 60 मिनट है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको लॉस निकालना है, आपको 45 का पहाड़ा मालूम हो, 60 का पहाड़ा मालूम हो, तो आराम से उसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि 60 × 2 = 120 होगा, जो कि 30 से तो कटेगा, 45 से नहीं कटेगा, 6 × 3 = 18 = 180 होगा, 180 जो होगा 45 से कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों 45 × 2 = 90 और 45 × 4 जो होता है 180 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं तो कि LCM आ जाएगा 180 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 180 मिनट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये 3 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 घंटा हो जाएगा। तो उनका स्कूल अगर 8 बजे प्रारंभ हुआ है, तो पहली बार एक साथ लंच टाइम जब होगा, तो लंच टाइम क्या हो जाएगा, लंच टाइम जो होगा बच्चों, लंच का जो समय होगा वो 8 AM में आप 3 घंटे जोड़ दीजिए, उसमें तो कितना मिल जाएगा, 8 × 3 = 11 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 AM हो जाएगा। पुनः छुट्टी का समय अगर देखा जाए, तो छुट्टी के समय एक ही साथ होता है, छुट्टी का जो समय है या टाइम है बच्चों, उसमें क्या करेंगे आप, पुनः 11 AM के बाद पुनः उसमें 3 घंटे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 11 = 12 हो जाएगा, फिर 2 घंटे और बढ़ा दीजिए तो 2 PM हो जाएगा, यानी दोपहर के बाद का समय हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो कैसे लगे, आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लॉस के सारे प्रश्न कवर कर लिए गए, अब हम दूसरी वीडियो में मास्या के प्रश्न को भी कवर कर लेंगे। धन्यवाद।